खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। टीवी की दुनिया का जाना माना नाम है जय भानुशाली। इन्होंने कुछ फिल्में भी की हैं। अब इनका एक गाना रिलीज हुआ है, जैगुआर वाली कुड़ी। जैगुआर वाली कुड़ी ये क्या है, मतलब बहुत अलग से बोल है इसके, और ये ऐसी कौन सी कुड़ी होती है जैगुआर वाली? अब क्या है कि पंजाबी गाना है और पंजाबी में क्या कहते हैं या शुरुआत ही किसी इससे होती है, क्या बोलते हैं, गाड़ी के नाम से होती है। तो ये जैगुआर वाली कुड़ी है एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है गाना, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एक्चुअली जब पहली बार सुना था तो मुझे सिर्फ उसका ये जैगुआर वाली कुड़ी तक ही समझ में आया था, उसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तीन चार बार सुना, मैंने बोला कोशिश करता। अब शूट का दिन आ रहा था, उसके एक दिन पहले की भी बात है कि मुझसे लिरिक्स बोल ही नहीं जा रहे थे क्योंकि थोड़ा सा फास्ट है ये लिरिक्स, थोड़े से फास्ट है। मैंने बोला यार अभी शूट के दिन मैं ऐसा बोलूं कि मैं लिरिक्स नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो क्या करूं। फिर मुझे मालूम पड़ा मेरे घर पे ही एक ट्रांसलेटर बैठी हुई है, तो मैं क्यों मतलब बाहर जा रहा हूँ। सो मैं फुल नाइट मतलब माही की बात कर रहा हूँ। तो मैं माही के पास गया, माही को बोला माही यार पंजाबी गाना है, थोड़ा सा हेल्प कर दे। एक एक प्ले करके मैंने उसको समझा रहा था, और मैं वो समझ के मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही थी कि इसके मतलब क्या है, इसका क्या, ये क्या है। मालूम पड़ा कि कुछ और बात कर रहा हूँ, फीलिंग्स कुछ और दिखा रहा हूँ। सो काफी मशक्कत की है, मतलब आपने मतलब बोल समझने की कोशिश की, उसके बाद आपने एक्टिंग की है। क्योंकि समझेंगे तभी आप बोल पाएंगे उसे। गाना है कि चढ़ तिंदरानु तेरी सर्च हो गई पूरी, एक उसमें एक लाइन आता चढ़ तिंदरानु तेरी सर्च हो गई पूरी। आपको क्या लगता है क्या होगा ये? मुझे नहीं आती पंजाबी। नहीं वही है ना, आप और मैं, एक चढ़ तिंदरानु मेरी सर्च हो गई पूरी का मतलब है कि टिंडर पे मैं सर्च कर रहा था, वो सर्च हो गई है मेरी पूरी। अब चढ़ तिंदरानु मतलब वो टिंडर को उन्होंने तिंदरानु कर दिया, ये पंजाबी में होता है। तो चढ़ तिंदरानु मेरी सर्च हो गई पूरी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मालूम भी थी, लेकिन फिर मैं वो उनका जो एक ठेठपन रहता है, क्या कहते हैं, पंजाबी का एक क्या बोलते हैं लिंगो रहता है, उससे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली यू नो आई गॉट इट राइट एंड या इट्स लुकिंग नाइस। और शूटिंग के अनुभव के बारे में बताइए, आपकी जो को स्टार है चांदनी है, और शूटिंग कहाँ पे हुई, कुछ खास स्पेशल कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कर सके हमारे दर्शकों के साथ? शूटिंग में बड़ा मजा आया था, इट वॉज फन वर्किंग विद चांदनी, वेरी टैलेंटेड। प्लस जैगुआर वाली कुड़ी का की बात कर रहे हैं हम लोग, और शॉट था पहला ही, अगर आप देखेंगे तो जो जैगुआर में एंट्री मारती है, सो डायरेक्टर ने बोला कि ओके सो हम रेडी हो गए, रोल कर रहे हैं, आगे डांसर्स खड़े थे, और मैडम को बोला कि क्या कहते हैं एक्शन पे आपको गाड़ी आगे लेकर आनी है। मैडम भूल गई रिवर्स पे गियर पड़ी थी, और उन्होंने एक्सलेटर मारी, और ये ऑटोमेटिक कार रहती तो या तो रिवर्स रहती है या तो फिर ड्राइव पे रहती है, ये रिवर्स पे थी। मैडम ने एक्सलेटर मारा, गाड़ी पीछे चली गई, पीछे डांसर्स। उसके बाद जो खौफ में सब बैठे हम सब ने फिर डिसाइड किया कि भाई ये जैगुआर वाली कुड़ी को जैगुआर ना चलाने दे, वही हमारे लिए बेटर है। तो बाद में ये शॉट में तीन आदमी लोग उसको पीछे से धक्का मार के वो शॉट पे एंट्री लेकर आ रहे थे, बिकॉज वी वर वेरी स्केर्ड कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उड़ा ना दे। अच्छा जय, ये बताइए कि आपने सीरियल्स की दुनिया से शुरू किया था, आपने अभी भी आप होस्टिंग कर रहे हैं, टेलीविजन से नाता आपका नहीं टूटा है, लेकिन क्या आगे जाके कोई सीरियल करने वाले हैं, ऐसा कोई इरादा है? क्योंकि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं आप होस्टिंग तो कर ही रहे लेकिन सीरियल में नजर नहीं आ रहे हैं। डेल डेफिनेटली मैं कभी किसी काम को ना नहीं बोलता हूँ, तो मैं हमेशा ओपन रहता हूँ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग कुछ अच्छा आ जाता है तो फिर मैं वो भी करना चाहूँगा, चाहे वो टीवी भी क्यों ना हो, बिकॉज एट द एंड आई एम एन एक्टर एंड माय जॉब इज़ टू एंटरटेन पीपल। लोगों के साथ जितना मैं दिखूँ, जितना मैं अपना काम दिखा सकूँ, उससे बड़ी चीज़ हो नहीं सकती। सो बीच में ऐसे एक दो मौके थे जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आऊँगा अभी, यू नो, लेकिन वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई थी। बट डेफिनेटली इन कमिंग टाइम आप मुझे देखेंगे कहीं ना कहीं। तो ये बताइए कि क्या आप सीरियल्स देखते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं टेलीविजन पे?
टेलीविजन पे अभी तो मैं कौन सा शो देख रहा हूँ, यूजली तो मैं रियलिटी शोज देखता हूँ ज़्यादातर, तो मैं रियलिटी शोज़, और क्योंकि मुझे ये देखना पसंद आता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं दूसरी रियलिटी शोज़ में जो मैं नहीं कर रहा हूँ, सो वो जानने के लिए मैं ये रियलिटी शोज़ ज़्यादा देखता हूँ। बट या आई लाइक शोज़ लाइक क्राइम पेट्रोल, तारक मेहता, थोड़े से यू नो हाँ मतलब थोड़ा सा कभी कभी थोड़ी जैसे क्राइम पेट्रोल जो इस तरह से शूट करते हैं, आई लाइक इट यू नो द वे दे शूट एंड थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है, प्लस तारक मेहता इज फनी एंड इट्स नाइस, सो वो भी कभी कभी मैं देख लेता हूँ। हाँ सो या इतने साल आपने इंडस्ट्री में काम किया टेलीविजन में, किसी चीज़ का मलाल या कोई शो जिसमें आपको लगता है कि आपको वो शो करना चाहिए था आप उसमें नहीं थे, कभी हुआ? टचवुड आज तक मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि जो शो मैंने नहीं किया है या फिर जो शो में मैंने ना बोला है कि मुझे कभी स्टोरी समझ में नहीं आती या मुझे अपना कैरेक्टर समझ में नहीं आता, जिस चीज़ को मैंने ना बोली है वो कभी मैंने देखा है कि वो टीवी पे भी वर्क नहीं किया है। सो आई एम हैप्पी दैट यू नो वट एवर डिसीजन आई टेक मेरे लिए वो हमेशा प्लस पॉइंट रहा है, वो मेरे फेवर में गया है। सो क्या कहते हैं अभी जो भी अभी तक जितने भी शोज मैंने किए हैं वो हमेशा हिट रहे हैं, सो इस बात का मुझे बड़ी खुशी रहती है कि मैं जो भी शो करता हूँ लोगों को पसंद आता है। अब मैं नया शो भी लेकर आ रहा हूँ सुपरस्टार सिंगर सोनी पे, वो भी शुरू हो चुका है, सो जस्ट वेटिंग कि उसका क्या रिस्पॉन्स आया, लोगों को कैसा लगे। अच्छा, आपने हेट स्टोरी 2 से शुरुआत की थी फिल्मों में, 2-3 फिल्में और भी की आपने, क्या आपको लगता है कि फिल्मी करियर जो शेप अप जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो कामयाबी आपको नहीं मिली? मैं कभी कामयाबी के पीछे ऐसे पड़ता भी नहीं था, मेरे लिए लाइफ में वही है कि बॉस क्या कहते हैं काम करना है और अच्छा काम करना है, और मेरे लिए वो है कि मुझे सिर्फ दिखने के लिए कहीं पे भी दिखना नहीं है, कहने के लिए तो मैं अभी और उसके बाद कम से कम 12-15 फिल्म्स के साथ मैं आ सकता था, लेकिन मेरे लिए वो है कि करना है तो यार अच्छा काम करना है, कुछ अलग काम करना है। आई एम हैप्पी यू नो मैं लकी हूँ कि मेरे पास एक फॉल बैक है, मैं रियलिटी शोज में होस्ट करते रहता हूँ, सो आई कैन बी चूजी अबाउट माई वर्क, आई कैन सिलेक्ट कि मुझे ये शो ये मूवी करनी है कि नहीं करनी है। सो ऑब्वियसली जब मेरे पास होस्टिंग ऑप्शंस रहते हैं तो एक फॉल बैक है मेरे पास कि अगर समझो फिल्म्स में मुझे वैसा काम नहीं मिल रहा जो मैं सोच रहा हूँ तो मैं आई एम हैप्पी यू नो होस्टिंग एंड एंटरटेनिंग पीपल। एक सबक जो आपने इंडस्ट्री से सीखा है काम करते वक्त कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, एक सबक आपने जो सीखा है इंडस्ट्री में? आई थिंक आप हमेशा अपने सीनियर से सीखते हो, और मैंने अपने सीनियर से सीखा है टू बी हम्बल एंड टू बी नाइस, एंड जिंदगी में आप कितना भी अच्छा काम करो लेकिन अगर आप अच्छे इंसान ना हो और आप लोगों की रिस्पेक्ट ना करते हो तो फिर मैं आपको कोई काम नहीं देगा, मैंने ये रियलाइज किया है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि टेलीविजन में फेम कमाना बहुत आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना सालों साल तक वो बड़ा मुश्किल है। सो अगर आप आ रहे हैं टेलीविजन में और आपको फेम मिल रहा है, दैट डजंट मीन दैट यू नो आपकी एक लॉन्ग जर्नी रहेगी, यू हैव टू बी वेरी हम्बल, यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड एक उसे लंबी जर्नी में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो या दिस इज व्हाट आई हैव लर्न टिल नाउ। जय एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे के सफर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।